बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का फजल करम और शुक्र से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम आपसे खुशखाश धोने का तरीका शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। तो जी, खुशखाश धोने का एक तरीका मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये तरीका पहले तरीके से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पहले तरीके में मैंने बहुत ज़्यादा खुशखाश धोने में पानी यूज़ किया था, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगी कि बहुत कम पानी यूज़ करूँ, क्योंकि पहले वाले तरीके में बाज़ बहन भाइयों के कमेंट्स आए थे कि आपने पानी बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, हमारे घर में इतना ज़्यादा पानी नहीं होता। तो वाकई बाज़ घरों में पानी की कमी का बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके घर में पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। तो जी, ये जो खुशखाश मैंने धोने के लिए ली है, ये एक पाव है। तो अब मैं इसमें एक बाउल पानी शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह से डिप कर लूंगी। अब एक और खाली बाउल लूँगी और इसमें आहिस्ता आहिस्ता हिलाते हुए खुशखाश वाला पानी इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये बारीक बारीक से सीड्स होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है लेकिन देखने में बिल्कुल भी नज़र नहीं आती और इसको धोना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस तरह से आप धोएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पेंदे से कितनी ज़्यादा मिट्टी निकलती है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है ताकि इसकी मिट्टी पेंदे में ही रहे। तो व्यूअर्स, ये आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा मिट्टी निकली है। तो अब हम बाउल से इस मिट्टी को रिमूव कर देंगे। बाउल को धो लेंगे। तो अब हम दूसरे साफ़ सुथरे बाउल में यही अमल फिर से दोहराएंगे। पानी वही है, पानी दोबारा मैंने शामिल नहीं किया। इसी तरह हिलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे जब तक इसकी सारी मिट्टी पेंदे से ख़त्म नहीं हो जाती। दूसरी बार भी मिट्टी निकली है लेकिन पहले की नस्बत थोड़ी सी कम निकली है। इसको रिमूव करेंगे और फिर से बाउल को धो लेंगे। तो व्यूअर्स, तीसरी बार फिर से मैं वही अमल दोहरा रही हूँ। पानी वही है, पानी दोबारा शामिल नहीं किया। ये बाउल के साथ अच्छी खासी खुशखाश लगी हुई है तो इसको हम मज़ीद पानी नहीं डालेंगे। ये मिट्टी अलग करने के बाद मैं इसको वही जो खुशखाश वाला पानी है स्ट्रेनर के ज़रिए मैं उसको थोड़ा सा निकालूंगी इस तरह से, और बाउल के साथ लगी हुई खुशखाश को हम इस तरह से रिमूव करेंगे और खुशखाश वाले बाउल में शामिल कर देंगे।
चलो जी, ये तो था पहला स्टेप। माशाल्लाह से खशखाश हमारी धुल चुकी है। अब हम इसका, ये आप चेक कर सकते हैं इसकी कितनी ज़्यादा मिट्टी निकली है। तो अब हम लेंगे खाली बाउल, इसके ऊपर रखेंगे स्ट्रेनर और इसको ऊपर बारीक सा कपड़ा फैलाएंगे। स्ट्रेनर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास स्ट्रेनर नहीं है तो आप इस कपड़े को देगची या बाउल के साथ बांध के भी इस तरह से पानी अलग कर सकते हैं खशखाश से। खशखाश का पानी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और एक पोटली सी बना के इस तरह से आप उठा लें। इसको अब मज़ीद धोने की ज़रूरत नहीं है, ये खशखाश अच्छी खासी धुल के साफ़ हो चुकी है। डस्ट का पानी भी निकल चुका है, मिट्टी और रेत भी अलग हो चुकी है। लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए अगर चाहें तो थोड़ा सा मज़ीद पानी लेके साफ़ सुथरा उसमें डिप कर लें। ये पानी इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा पानी अगर आप और लेकर इसको इस तरह डिप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इसकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। पानी माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो अब हम बाउल के ऊपर रखेंगे स्ट्रेनर और इसके ऊपर पोटली को रख देंगे। अगर स्ट्रेनर नहीं भी है तो आप इस पोटली को ऊपर से गिरा लगा के किसी जगह पे लटका भी सकते हैं। जब इसका पानी टिपकना बंद हो जाएगा तो तब हम इसको खुले बर्तन में डालेंगे। तो इसका पानी टिपकना बंद हो चुका है, तो अब हम इसको खुले बर्तन में डालेंगे। और इसको चम्मच से फैला लेंगे। और बारीक कपड़े के साथ ऊपर से कवर करेंगे और धूप में रख के इसको खुश्क कर लेंगे। तो माशाल्लाह से एक ही दिन की धूप इसके लिए काफ़ी हुई है, ये अच्छी खासी खुश्क हो चुकी है। सुबह 10 बजे मैंने खशखाश धोई थी, तो अब माशाल्लाह से शाम के 4-5 बजे मैं नीचे ले आई हूँ छत से, तो माशाल्लाह से बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो अब हम इस खशखाश को एयर टाइट जार में रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। और अगली वीडियो तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।